Hi friends, welcome back to my channel. Today I would be sharing two recipes with you. So stay tuned. Let's start with the first recipe. Firstly, I will start with the ingredients. Come on, let's start. The first recipe is yellow rice. So 300 grams of rice, basmati rice, I have already soaked in water. For 300 grams of basmati rice, I would require around 1/2 liter of hot water. 3 sliced onions, 1/2 teaspoon of haldi, 1 teaspoon of salt, and a little raisins and cashews. And the rice that I am going to make the palau today is pochu, basmati rice. So friends, firstly we will add some oil, around 60 ml of oil, 60 to 70 ml of oil. बासमती राइस जो भिगा के रखा था उसको भी दे देते हैं। नमक स्वाद अनुसार, हल्दी, गरम पानी दे देते हैं। 15 मिनट हो चुका है, अब मैं थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ। जीरा पाउडर, 1/2 teaspoon हल्दी, 1/2 teaspoon रेड चिली पाउडर फॉर कलर एंड टेस्ट अ बिट, सॉल्ट 1 teaspoon. सो आई हैव पुट अ लिटिल वाटर एंड आई एम मिक्सिंग द मिक्सचर. 3 मीडियम साइज चॉप्ड अनियंस, 6 पोटैटोज चॉप्ड एंड मिक्स्ड विद टर्मरिक पाउडर विथ सॉल्ट एंड वी वुड बी फ्राइंग इट राइट नाउ. अब हम लोग इसमें ऑयल को करते हैं चुका है. इसमें मैं पोटैटोज को फ्राई कर लेती हूँ. हम लोग के पोटैटोज जो है वो फ्राई हो चुके हैं, हम लोग निकाल के रख देते हैं और जो भी एक्स्ट्रा ऑयल उसको साइड कर देता है. जो भी एक्सेस ऑयल था मैंने निकाल चुकी है और इसमें सेपरेटली फिर से मैंने रिफाइंड ऑयल दिया है. और जो भी अनियन हम लोग काटे अभी इसको हम लोग फ्राई कर लेते हैं. अब हम लोग इसमें एक मीडियम साइज टमाटो, 2 तेज पत्ता, जो भी मसाला का मिक्सचर था हम लोग उसको मिक्स कर लेते हैं. इसमें अब थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं. इसको अब 2 मिनट के लिए ढक लेते हैं. तो मैं खोल चुकी हूँ, तो इसमें अब मैं अपना जो चिकन है मैं उसको ऐड कर लेती हूँ. अब फिर से हम लोग इसको मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए ढक देंगे. आफ्टर 5 मिनट्स इसमें पोटैटो दे देते हैं जो भी फ्राई किया हुआ. मैं इसमें थोड़ा सा चीनी ऐड करती हूँ, आपके ऊपर आपको करना है या नहीं करना है. इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके 15 मिनट के लिए हम लोग लो फ्लेम पे हम लोग इसको कुक करेंगे. तो चलिए फ्रेंड्स, 20 मिनट्स हो चुका है, बन के तैयार है हम लोग का चिकन करी. अब इसको एक सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं. तो चलिए फ्रेंड्स, अब बन के तैयार है हम लोग का डिलीशियस येलो राइस विथ चिकन करी, सेमी ड्राई.
हाय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा दोनों रेसिपीज पसंद आया। तो इन ऑर्डर टू गेट द अपडेट्स फर्दर, आई वुड लाइक यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।